मध्य प्रदेश में ट्रांसफर के लिए अभी इंतजार और लंबा होगा। चुनाव के बाद ट्रांसफर की आस लगाए हुए कर्मचारियों के लिए अब नए साल तक रुकना होगा। दरअसल सरकार अभी ट्रांसफर पॉलिसी लाने की जल्दी में नहीं दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि अब मार्च अप्रैल में या फिर उसके बाद ही ट्रांसफर को लेकर सरकार की नीति सामने आ सकती है। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी नई ट्रांसफर पॉलिसी का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल उनकी बेसब्री और इंतजार खत्म होते नहीं दिख रहे। सरकार अब बीच सत्र में ट्रांसफर पॉलिसी लाने के मूड में नहीं है। बीच सत्र में तबादले होने से कामकाज तो प्रभावित होगा ही, अव्यवस्थाएं भी नजर आएंगी। अब सरकार नए साल में मार्च अप्रैल तक नई तबादला नीति लाने की तैयारी में है। बीजेपी का कहना है कि सरकार कर्मचारियों के हितों का हमेशा ध्यान रखती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ बातें करती है, कर्मचारियों के हितों में कोई फैसला नहीं लेती। सरकार आवश्यकता के अनुसार गुण दोष के आधार पर विभिन्न निर्णय लेती है और ऐसे में जो भी जनभावनाएं होती है उनका भी ध्यान रखती है। ऐसे में जो भी इनका समग्रता से जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर सरकार ट्रांसफर पॉलिसी भी तय करेगी। पूरा सत्र निकल गया, लोग इंतजार करते रहे कि ट्रांसफर अब होंगे। पहले आचार संहिता की बात आ गई, फिर कहा कि सदस्यता अभियान चल रहा है, ट्रांसफर कैसे होंगे, और अब कह दिया कि आधा साल से ज्यादा निकल चुका है, अब अगले साल देखेंगे। सियासत से इतर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, सरकार को जल्द फैसला करना चाहिए। मध्य प्रदेश में तबादलों को लेकर अधिकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं और हर कैबिनेट के समय यह रहता है कि आज ये तबादला नीति घोषित हो जाएगी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह स्थिति नहीं बन पा रही है। और सरकार को जब भी तबादलों पे जो लागू किया जाए मई जून के समय करना चाहिए, ताकि उस समय लोगों के जो है शैक्षणिक सत्र खत्म हो जाते हैं और अन्य कहीं जो बच्चों का एडमिशन कराना है या और कोई समस्याएँ हैं तो वो उतनी नहीं रहती जितनी इस समय रहेंगी। तो निश्चित रूप से जल्द सरकार उचित निर्णय लेगी, यही उम्मीद है। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी चुनाव के बाद से ही मनचाही जगह जाने जोर आजमाइश में लगे थे। तबादलों के लिए 4 महीने और इंतजार की बात सामने आने से कर्मचारियों को फिलहाल निराशा ही हाथ लगती दिख रही है। रंजना दुबे, बंसल न्यूज।